Asalaamu As Alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we will read What is a Poem in this river? Reading of the Poem across the Indus. So, first of all, we will see What is a Poem? अ फोइम इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग डेट यूज इज़ इमेजिनेटिव वर्ड्स टू शेयर आइडियाज़ इमोशंस और अस्टोरी विद अ रीडर एंड अ पर्सन हु राइट्स अ फोइम इज़ कॉल्ड अ फॉइट सऊदी स्टूडेंट्स फोइम क्या होती है ठीक है ये इमेजिनेटिव वर्ड्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है ठीक है जो हमारा राइटर होता है फोइम का वो अपने जो एहसास होते हैं ठीक है अपनी इमोशंस अपनी आ, कोई भी स्टोरी आइडियाज़ अपने रीडर को कन्वे करने के लिए जो है वो इमेजिनेटिव वर्ड्स जो है उनका सहारा लेता है और जो शख्स जो है राइट करता है फोइम उसको हम फॉइड कहते हैं ठीक है सो नाउ वी विल रीड विच विच फोइम अक्रॉस द इंडस एंड इसके फ्वाइट है शाहिद हुसैन ठीक है ये शाहिद हुसैन जो है इन्होंने राइट की है सो so, अब मैं आपको सबसे पहले इंडस रिवर के अबाउट बता दूं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है फोइम का वो है अक्रॉस द इंडस तो इंडस रिवर आ, को हम द रिया भी कहते हैं एंड द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस् पाकिस्तान इज़ इंडस रिवर यानी पाकिस्तान का जो सबसे आ, जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध है ठीक है अराउंड टू थर्ड ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर इिगेशन एंड इन होम्स कम फ्राम द इंडस एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स ठीक है यानी अब पशी वगैरह के लिए और घरों में इस्तेमाल होने के लिए भी ज़्यादातर जो पानी की सहूलियात हैं वो इसी के थ्रू लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाती ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी जो है वो रीडिंग कर लेते हैं ठीक है लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताती चलूँ जैसे कि प्रीवियस जो चैप्टर था समर्स इन मरी ठीक है उनके राइटर थे इमरान खान और उन्होंने मरी के अबाउट अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस की थी इसी तरह यहाँ पे जो शाहिद हुसैन है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट इंडस रिवर ठीक है river, तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट सीम्स ये कितना प्यारा लगता है दैट क्राउडिंग फिस्टरिंग इंसिस्टेंट सिटी क्राउडिड क्राउडिड मीन्स गुंजान आबाद पुर हजूम ठीक है फिस्टरिंग फिस्टरिंग मीन्स गला सड़ा या बदबूदार गंदा इंसस्टेंट सिटी तवज्जा तलब शहर हाउ ब्यूटीफुल इट सेम्स डेट क्राउडिड फिस्टरिंग इंसिस्टेंट सिटी कितना प्यारा लगता है ये गुंजान आबाद गला सड़ा तवज्जा तलब शहर तो अब इस uh, जो है वो Uh, मतलब कि इन टू लाइंस में पहली फर्स्ट टू जो लाइंस हैं इनमें क्या कहा है जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहे ठीक है इंडस्ट्रीवर की बल्कि उन्होंने सार्क वे में कहा है कि कितना प्यारा लगता है ये पुरजोम गंदा और तवज्जा तलब शहर ठीक है यहाँ पे तारीफ नहीं की जो ये पहला ठीक है पहली लाइन है ना ये सास्टिक वे में जो है वो उन्होंने राइट की है ठीक है तंज किया है उन्होंने डर्ट बैरन हीट दिख्र ऑफ फ्लाइज डर्ट बैरन हीट बैरन हीट ऐसी हरारत ठीक है बंजर हरारत को वैसे बोलते हैं तो इससे मुराद ऐसी हरारत जिससे किसी को कोई फ़ायदा ना हो ठीक है ऐसी हीट ऐसी हरारत जो किसी को कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट जो है वो ना दे सके द्रुल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज ख्रुल होता है ालिम ठीक है फ्लाइज मक्खियों की बिन बिनाहट गंदगी ठीक है डट होता है गंदगी या गंद गंदगी बंजर हरारत और साथ में फिर क्या कहते हैं कि जालिम मक्खियों की बिन बिनाहट दैर रेडीड टू इन डिफरेंट आईज सॉर्स किस कहते हैं ज़ख्म को बोलते हैं वाउंड को बोलते हैं ठीक है थीके? फेवरेटिट ये फेवरेट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है शो करना नुमाइश करना ठीक है तो टू इन डिफरेंटाइज इन डिफरेंट है ला अजनबी आँखें ठीक है तो यहाँ जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं अजनबी लोगों की आँखों के सामने ये गंदगी गंदगी अब क्या है गंदगी के मनाजिर जो हैं डर्ट बैरन हीट और खरोल ड्रॉन ऑफ फ्लाइज जो हैं ये वाली गंदगी के मनाजिर ठीक है तो आँखों के सामने गंदगी के मनाजिर किसी ज़ख्म की तरह दिखाई देते हैं जाहिर सी बात है डेयर स्टूडेंट्स के वाउंड जो हैं वो देखने में गंदे ही लगते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है कहते हैं कि अजनबी लोगों की आँखों के सामने ये जो मनाजिर हैं वो किसी ज़ख्म की तरह दिखाई देते हैं यानी देखने में अच्छे नहीं लगते द रिंड हाउस इज लिंग टू ईच अदर तबाहशुदा घर लिनिंग झुके हुए टू ईच अदर एक दूसरे पर अब यहाँ वो कहना चाहता है कि मतलब कि वहाँ जो मौजूद घर हैं ठीक है उनकी हालत इतनी वो बसीदा किस्म की है ठीक है मतलब यहाँ वो ये भी कह सकते हैं कि इतने वो पुराने हो चुके हैं टूट फूट चुके हैं कि ऐसे लगता है वो एक दूसरे के ऊपर झुक रहे होते हैं डिस्गॉर्जिंग नेक्ट अन अपीलिंग चिल्ड्रन अच्छा अब डिसगोर्जिंग जो है ठीक है स्टूडेंट्स ये वॉमिटिंग की सेंस में भी आ सकता है ठीक है या अगर हम किसी को देखें तो ऐसी चीज़ जिसको देख के घिन आए इस मायने में भी आ सकता है ठीक है दोनों सेंसेज में और बीमार की सेंस में भी यूज़ हो सकता है डिसगोर्जिंग ठीक है डिसगोर्जिंग नेक्ट नेक्ट होता है अनकवर्ड बरहना अन अपीलिंग चिल्ड्रन अनिलीलिंग बदनुमा जिनको देख के जो है ना वो आ, किसी तरह की जो है न वो फैक्शन ना पैदा हो ठीक है ये होता है हमारा अन अपीलिंग चिल्ड्रन ठीक है यानी कि ऐसे बच्चे जिनको देख के जो चीज़ हमें हमारी आँखों को अच्छी ना लगे देख के भली ना हमें महसूस हो तो प्लेइंग दियर गेम्स इन सेल्फ क्रिएटिड फील्ड फिल्द क्या है गंदगी यानी उसके यहाँ पे कहने का मतलब है बीमार बरहना बदनुमा बच्चे जो हैं वो अपनी ही उन्होंने क्रिएट की हुई है गंदगी और उसमें खेल रहे हैं ठीक है राइजिंग वेटिंग कॉस्टिंग इट्स हैवी मेंटल हैवी मेंटल मेंटल होता है चादर ठीक है और ये जो थ्री लाइंस है ना डियर स्टूडेंट्स ये आ, मतलब जब इनको आ, मैं एक साथ पढूं फिर ये मीनिंग देती हैं तो एंड राइजिंग वेटिंग कॉस्टिंग इट्स हैवी मेंटल सफोकेटिंग अब्लिट्रेटिंग डस्ट स्वर्लिंग फॉर एवर इन दॉइजेटिंग सफोकेटिंग सफोकेटिंग होता है जिससे इंसान का दम घुटता हो उसे सफोकेटिंग कहते हैं खत्म कर देने वाली ठीक है खत्म कर देने वाली डस्ट गर्दो गुबार swirling, ठीक है स्वर्डिंग किसको कहते हैं घुमाओ को बोलते हैं ठीक है स्वर्डिंग का क्या मतलब है घुमाओ फॉर एवर इन शोर शराबे वाली गलिया अब कहते हैं राइजिंग वेटिंग खासटिंग इट्स हैवी मेंटल जमीन को ढांप लेने वाला गर्दो गुबार ऊपर उठता है द सफोकेटिंग अपलिथ्रेटिंग डस्ट स्वर्लिंग फॉर एवर इन द नॉइजी लेंस यानी कि जो दम घोटने वाली ख़त्म कर देने वाला गर्दो गुबार है ठीक है वो हमेशा इन गलियों में शोर वाली गलियों में कहता है घूमता रहता है अच्छा ये था हमारा फर्स्ट स्टैंडा तो फर्स्ट स्टेंसा में जो है फ्वाइट हमारे शाहिद हुसैन उन्होंने क्या किया कि अगली साइड दिखाई है रिवर इंडेज की ये बताया है कि वो जिस सिटी में अभी मौजूद हैं ठीक है थीके? जो इंडस रिवर के साथ है सिटी वो कैसी है कि वो खूबसूरत बिल्कुल नहीं है ठीक है वैसे सर्क वे में कह रहे हैं कि ये कितना प्यारा लगता है लेकिन तंज कर रहे हैं सर्क वे में कहा है उन्होंने तो क्या यहाँ पे अगली साइड बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कितना ज़्यादा गंदगी है ठीक है बदबूदार है ये शहर और आ, मतलब हर यहाँ पे वो वो फ्लाइज हैं ठीक है थीके? आ, गंदी मक्खियाँ हैं और बच्चे कैसे हैं कि मतलब बरहना बच्चे हैं उनके जिसम पे जो है बॉडी पे लिबास भी नहीं है और वो गंद में खेल रहे हैं ठीक है ना गंदगी में वो खेल रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ भी जो है जहर सी बात है जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे बीमारियाँ भी होती हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा होती हैं लोग ज़्यादा बीमार होते हैं ठीक है और यहाँ पे ये बताने चाह रहे हैं हमारे जो फ़ॉट है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है ये अगली साइड है गर्द गुबार बहुत है वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है ठीक है और बस इन शॉर्ट उन्होंने अगली साइड अभी दिखाई है अब नेक्स्ट हम स्ट्रेंथा पर चलते हैं बट आई हैव क्रॉस द रिवर लेकिन मैं दरिया को पार अबूर कर चुका हूँ ठीक है पार कर चुका हूँ या अबूर कर चुका हूँ प्लेसिंग द डीप एंड इजी फ्लो ऑफ ग्रीन कदम रख रख चुका हूँ गहरे और सब्ज़ बहते पानी में बिटवीन डैट लाइफ एंड दिस अब डैट लाइफ और दिस में क्या वो डिफरेंस है डैट लाइफ कि जब वो शहर में मौजूद था ठीक है इंडस रिवर के पास जो सिटी है लेकिन अब वो उस सिटी uh, से जो है वो बाहर आ चुका है रिवर को क्रॉस कर चुका है अब दूसरी साइड पर वो खड़ा है तो कहते हैं कि उस जिंदगी और इस ज़िंदगी के दरमियान क्लेयर एंड था लाइक इन द डिस्टेंस यानी कि कहता है कि शहर जो है वो फासले से बड़ा शफाफ नज़र आता है क्वाइट खामोश प्योर ख़ालिश एंडप्टिवेटिंग शहर अंगेज़ यानी कि कैसा नज़र आ रहा है उसको फासले से शहर बहुत ज़्यादा ख़ामोश बिल्कुल ख़ालस और सहर अंगेज़ सहर अंगेज़ मतलब मैजिकल uh, uh, जादू करने वाला दिलकश ठीक है लाइज द सिटी लाइज द सिटी झूठ का शहर है मतलब कि हकीकत में रियालिटी में वैसा वो सिटी नहीं था लेकिन जब वो क्रॉस उसने कर लिया है इंडस रिवर को तो अब दूसरी साइड से उसका जो अक्स नज़र आ रहा है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है तो इसलिए कह रहा है कि ये जो सिटी है वह झूठ है ठीक है ग्रेसफुली द हाउस जस्ट ईच अदर टू द रिवर्स बैंक ब्रिंक अच्छा जस्टल होता है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना टू द रिवर्स ब्रिंक दरिया के किनारे तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब जो वो जो टूटे पूटे घर थे ठीक है अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो घर हैं वो एक दूसरे से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो दरिया के किनारे खड़े हैं सऊद इंडस मिरर इंडस मिरर यानी कि दरियाई सिंध का पानी जो है वो अब अक्स दिखा रहा है दूस डर्टी शेडोज अ ड्रीम इन क्रिस्टल यानी कि वो जो कहता है कि आ, गंदे साए थे ठीक है थीके? उनको अब वो साफ दिखा रहा है दरियाई सिंध का पानी जो है वो इंतहाई शफाफ अक्स दिखा रहा है अब एंड द अगलीनेस आईसा अग्लिनस I saw and came अवे from. और कहते हैं कि वो बदसूरती जो मैंने देखी और जिससे मैं गुजर कर आया हूँ जिससे मैं दूर आ चुका हूँ अलॉन्ग प्लेसिड वाटर फ्लोज अवे तो बहते हुए पानी के साथ वो गंदगी वो बदसूरती भी बह चुकी है अब ये था हमारा सेकंड स्टेंसर ठीक है जैसा कि आ, इस आ, जो कंप्लीट uh, फम uh, है इसमें शाहिद हुसैन जो है वो एट अ टाइम इंडस रिवर की ब्यूटी को भी uh, शो कर रहे हैं और उसकी अगली साइड को भी शो करते हैं तो जो पहला स्टैंडर्ड था उसमें uh, शाहिद हुसैन ने इसकी अगली साइड दिखाई थी अब यहाँ पे ब्यूटी उसकी दिखाने की कोशिश करें कि अब वो जो फ्वाइट uh, uh, है हमारे वो उस शहर को हम इंडस रिवर को जो है वो क्रॉस करके दूसरी साइड पर आ चुके हैं और दूसरी साइड से जो अक्स है वो बहुत ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है कि सब घर सब मकानात जो हैं ठीक है थीके? वो एक तरतीब से हैं ठीक है थीके? एक तरतीब के साथ खड़े हुए हैं और शहर वहाँ से उसका यानी अक्स जो है वो शहर का वो बड़ा ख़ामोश खालिश और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है ऐसा जैसे कि बिल्कुल वो साफ शफाफ हो तो अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के बहाव के साथ जो है वो जो अगली साइड थी जो अगलीनेस थी वो भी बह गई अब बस ये हमारा यहाँ पे आज की रीडिंग हमारी जो है वो ख़त्म होती है स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको लर्न करना है अच्छी तरह से और आई होप आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन Any, any confusion, you can ask me again. Uh, see you tomorrow. Allah Hafiz.